फेस्टिव सीजन है और दिवाली बिल्कुल पास में है, तो हमने सोचा क्यों ना आज कैंडल्स बनाई जाए। क्यों अंजना जी? बिल्कुल, और कैंडल तो मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे को कैंडल बनाना और घर पे खुद बनाना कैंडल बहुत ही मजा आता है। मतलब दिल करता है कि सब कुछ घर पे ही बनाया जाए और सबको अच्छे तरीके से सजाया जाए। तो आज करें शुरुआत। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे को जो इसके लिए सामान चाहिए क्या क्या चाहिए होता है, वन इज मोल्ड, ये जो हमारे मोल्ड होते हैं। सेकेंड हमारे को वैक्स चाहिए, ये आराम से मिल जाती है, किसी भी वैक्स शॉप से मिल जाएगी या जो पेट्रोलियम जेली की शॉप्स होती हैं जहाँ पे बनाते हैं वो लोग वहाँ से मिल जाएगी। इसी तरीके से ये जेल के लिए भी, जेल भी मिल जाता है, जेल कैंडल के लिए ये भी मिल जाता है। और इस तरीके से ये मोल्ड चाहिए होते हैं। और ये थ्रेड, अब इस थ्रेड को मैंने क्या किया है कि इसको वैक्स के अंदर डाल के इसको एकदम तैयार कर लिया है इस तरीके से, ताकि आपका जो कैंडल है उसके अंदर में ये एकदम स्ट्रेट रहे, कहीं से भी मोल्ड मतलब मुड़े नहीं। इस तरीके से ये थोड़ा सा वो हो गया, हार्ड हो गया, स्ट्रेट हो गया थोड़ा। और हम लोग यूज़ करते हैं वैक्स क्रेयॉन कलर्स, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं इस तरीके से, जैसे ये येलो कलर का हमने रखा हुआ है, देख सकते हैं। हाँ, इस तरह से जी। और इसी तरीके से हमारे को ये बटन होल्डर्स मिलते हैं मार्केट से, जो हमारे को तैयार करना होता है, ये ऐसे करके आप रेडी कर सकते हैं इसको किसी भी कैंडल के अंदर में, किसी भी जो भी आपका शेप है, बड़ा है छोटा है, उसके हिसाब से आप इसको रेडी कर लीजिए। तो ये बटन के अंदर से थ्रेड डाल के इसको ये होल्डर बना लिया एक तरह से, ये होल्डर बना लिया हमने। और ये आप किसी भी कैंडल के मोल्ड में आप रख सकते हैं इसको। अगर आपको दिल कर रहा है कि कोई ट्रांसपेरेंट कैंडल बनानी है तो उसके अंदर रख लें, जिससे हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं। ये हम देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर होल्डर इसको रख दिया गया है। इसको सिंपल आप किसी भी जो मोल्ड आते हैं जिनके अंदर में छेद भी नहीं है, जैसे ये हमारा मोल्ड है, दिस इज वन मोल्ड, तो इसके अंदर में हम इसको ऐसा करके रखते हैं। और फिर अभी बताते हैं नेक्स्ट स्टेप कैसा रहेगा इसके लिए। तो अब हम शुरुआत करें। जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले हमारे को जो क्या करना है कि वैक्स को, जो हमारा पैराफिन वैक्स है, इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। ये बहुत जल्द हो जाएगा मुझे लगता है। विद इन अ सेकंड होना भी शुरू हो गया। और ये जमता भी बहुत जल्दी है, बिकॉज सर्दियां हैं तो एकदम से जमेगा भी जल्दी से। और आप अपने घर को कैंडल से कैसे भी सजा सकते हैं। और इसके लिए क्या रहता क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल घर में बहुत प्यार बनाना है आपको, हस्बैंड वाइफ के अंदर में कोई अगर रिफ्ट चल रहा है उसमें प्यार बनाना है, तो क्या करिए कि घर बेडरूम के अंदर में रोज़ शाम को 6 से 7 बजे के करीब आप पर्पल कलर का कैंडल बनाइए। मतलब यू कैन यूज़ दिस पर्पल क्रेयॉन, पर्पल क्रेयॉन यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही लेवेंडर का एक एरोमा आता है, उसको आप डाल दीजिए। और उसको जब कैंडल बनाते समय में उसको डाल दीजिए और घर में आराम से 1 घंटा रोज़ उसको जलाइए। 21 डेज आप रेगुलर जलाएंगे, देखिएगा कि एकदम हो जाएगा। और घर में कहीं पर एनर्जी की मिसिंग लग रही है कि घर में थोड़ा सा एनर्जी चाहिए कि नहीं सबको बस एकदम काम पे लगे रहे, तो उसके लिए क्या है, रेड कलर का कैंडल। ओके, तो आप वो अपना लॉबी में रेड कलर का कैंडल लगा दीजिए। और उसके अंदर में आप जो जिसे बोलते हैं ना थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए जो चंदन का एरोमा, वो आप डाल दीजिए उसके अंदर। तो साथ साथ में मिल रहे हैं। ये भी हमारा देखिए मेल्ट हो चुका है एकदम, थोड़ा सा और मेल्ट होने देते हैं, बिल्कुल पानी की तरह हो गया। हाँ, एकदम ऐसा हो जाएगा। और इसमें घर में जैसे हमारे पास में ये हम लोग यूज़ करते हैं ना ट्विल लाइट कैंडल्स के लिए, ये आपने जैसे ये हमने रखा हुआ है, मोल्ड रखा हुआ है, इसके नीचे रखते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। आपकी जो मोम बच गई है या गिर गई है, इसमें डाल दी। हाँ, तो अब जैसे ये मेरे पास में ये मोम ख़राब हो गई थी, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको भी इसी में यूज़ करूँगी। और इसका ये बटन होल्डर वी कैन यूज़ इन नेक्स्ट उसके अंदर में। तो अब हम इसके अंदर, तो आप बताइए कि कौन से कलर की कैंडल आप
पसंद करेंगे। सबसे पहले हम वाइट ही बनाते हैं कि वाइट बड़ा सूदिंग सा रहता है। और ध्यान रखिएगा कि कलर जब आपने ऐड कर दिया और एक बहुत गर्म होता है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। कलर जब ऐड करेंगे तो हमने रखना ये है कि पहले वाइट अगर आपने बनानी है तो पहले सारी वाइट बना लीजिए। ये बिल्कुल तैयार हो रही है वाइट वाली, और इसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। और आप कलर अगर आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं होते तो आप ये क्रेयॉन्स यूज़ कर लीजिए। सिंपल क्रेयॉन्स आते हैं मार्केट में, इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको आप स्क्रैप करके हल्का सा डाल दीजिए तो बहुत ही आसान, हाँ घर में मिल जाएगा, घर में इजीली मिल जाएगा। ये देखिए एकदम ये येलो कलर का हो गया है। इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है बिकॉज एकदम गर्म होता है। मोल्ड के अंदर में हम ऐसा करके इसको पहले सेट कर देंगे। मार्केट से वैसे बहुत सारे ऐसे कैंडल के वो मिलते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि हमेशा बच्चों के साथ में मम्मी पापा ज़रूर रहें जब भी कोई कैंडल बन रहा हो। इस तरीके से करके ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे मोल्ड हो गया तैयार, हो गया रेडी। और ऐसे ही हमने एक और ये मोल्ड रेडी कर लिया है। इसके अंदर में हम लोग ये फिलिंग कर सकते हैं। अब मुझे दो कलर की कैंडल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दूँगी हाफ, और बाकी मैं दूसरा कलर देखती हूँ। आप बताइएगा कौन सा कलर डालना है। ठीक है, ठीक है। बहुत ध्यान से डालना होता है, गर्म बहुत होता है। कितना सुंदर कलर आ रहा है येलो का, ये एकदम सूदिंग सा कलर। तो ये आप पूजा के स्थान पे रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। या आप बच्चों को जब लगे कि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी वो वीक चल रहा है तो वहाँ पर उसके स्टडी टेबल के साथ में तो वो भी इसके लिए। तो बहुत सारे टिप्स भी मिल रहे हैं साथ साथ जी। तो एक हम एक और ये येलो कलर का बना देते हैं। कैंडल्स जो है हमारी, जो उनको टाइम लगता है कम से कम 2 से 2.5 घंटा अच्छे से सेट होने में, सेट होने के बाद में वो इस तरीके का कुछ कैंडल बन जाता है। और अभी इसको हमने डेकोरेट किया हुआ है, डेकोरेट थोड़ा सा किया हुआ है, बाकी मैंने कहा कि आधा आप करेंगे। तो आपने ये पहले ये जो हमारी सेलो टेप्स आती है मार्केट में, आप देख सेलो टेप से आप कर सकते हैं इसको, इस तरह लगा के बता देते हैं। तो इस तरह से ये सेलो टेप लगा दी गई, और इसके बाद में आप स्पार्कल्स मिलते हैं मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। पहले वाले में हमने मल्टी कलर यूज़ करा है, तो मल्टी कलर के लिए मल्टी कलर वाला कर सकते हैं, नहीं तो आप गोल्डन स्पार्कल के साथ में कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मेरे को ये ऐसा अच्छा लगता है तो आई विल डू लाइक दिस। ये देखिए, तो आपने देखा कि अंजना जी ने कितनी सुंदर ये कैंडल तैयार की है, और बहुत ही इजी है। कैंडल बनने के बाद ये सेलो टेप के साथ इसको डेकोरेट किया गया है। स्पार्कलर डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, ऊपर मल्टी है, नीचे ये गोल्डन लगाया है आपने। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और डिफरेंट तरीके के शेल्स आते हैं, शेल्स लगा दीजिए, थोड़ा सा अंदर भी प्रेस कर सकते हैं हल्का सा गर्म। तो कोई भी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर। तो बहुत ही सुंदर कैंडल्स तैयार करी हैं आपने अंजना जी। हाँ, ये देखिए ये सारी की सारी कैंडल्स ये हमारी ही बनी हुई हैं यहाँ पर, सारी की सारी। आप जो ये कैंडल में आप इसमें लेवेंडर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख सकते हैं। नीचे जो कैंडल पड़ी हुई है वो भी हमने ही बनाई हुई है। मतलब आप इनको रीयूज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। आपको लगता है मेल्ट हो गया है तो वी कैन रीयूज दैट। सो थैंक यू सो मच अंजना जी कैंडल्स सिखाने के लिए। और आप सब लोग अपने इस फेस्टिव सीजन को घर पे कैंडल्स बनाएं, और अपने अपने डियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करें, अपने घर में सजाएं और अच्छे से त्यौहार मनाएं। थैंक यू।